पश्चिम बंगाल में सोमवार सुबह बड़ा रेल हादसा हो गया। यहां के न्यू जलपाईगुड़ी में एक मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कई बोगियां पटरी से उतर गईं, जिससे इस हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक यह हादसा सोमवार सुबह 9 बजे के आसपास हुआ। कंचनजंगा एक्सप्रेस अगरतला से सियालदह जा रही थी, तभी पीछे से आ रही एक मालगाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। प्राप्त सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार रेलवे बोर्ड की चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा ने बताया कि मालगाड़ी के ड्राइवर लोको पायलट ने सिग्नल को पूरी तरह से अनदेखा किया था। इस दुर्घटना में ड्राइवर और ट्रेन के गार्ड की भी मौत हो गई है। ये इस साल का अब तक का सबसे बड़ा रेल हादसा है। इससे पहले पिछले साल जून में ही ओडिशा के बालासोर में बड़ा रेल हादसा हुआ था। तब कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई थी। इस हादसे में लगभग 300 लोगों की मौत हुई थी। सरकार का दावा है कि 2004 से 2014 के बीच हर साल औसतन 171 रेल हादसे होते थे, जबकि 2014 से 2023 के बीच सालाना औसतन 71 रेल हादसे हुए। अचानक से देश में अलग अलग तरह के हादसे बता रहे हैं कि मोदी 3.0 का सफर आसान बिल्कुल नहीं रहने वाला है। इस तरह के हादसों का अतिरेक होने से बचने के लिए सरकार को अलर्ट होने की जरूरत है। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द नेशन भारत।